फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्क प्लेस से संबंधित कुछ सावधानियां के बारे में, कुछ सुरक्षा नियमों के बारे में। वो कौन सा एक्टिविटी है जिसे करने से हमारा वर्क प्लेस सुरक्षित रह सकता है, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा सुरक्षा नियम है, वो कौन सा सेफ्टी रूल है जिसे अपनाने पर हमारा वर्क प्लेस सुरक्षित रह सकता है। तो पहला रूल है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी एंड अदर। अगर आप वर्क साइट पे हैं तो यह कोशिश करें कि दूसरों के साथ साथ आपका भी सुरक्षा हो, ऐसा नहीं कि दूसरों की सुरक्षा और आपका सुरक्षा न हो। तो पहला रूल यही है कि जब कभी आप वर्क प्लेस पे रहें तो आपका सुरक्षा और साथ ही साथ दूसरों का सुरक्षा पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दूसरा रूल है, डोंट टेक शॉर्टकट, ऑलवेज फॉलो द रूल। कभी भी आप शॉर्टकट न लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं शॉर्टकट हमें बहुत ही खतरों की तरफ ले जाता है। तो कभी भी शॉर्टकट का आप प्रयोग न करें, जो रूल्स है, जो नियम बनाए गए हैं उसे पालन करते हुए काम करें। अगला रूल है, रूल नंबर 3, वह है, इफ़ यू आर नॉट स्किल्ड प्लीज़ डू नॉट डू एनीथिंग। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, कुशल नहीं है किसी काम में, तो उस काम को आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप उस काम को कर रहे हैं तो किसी भी तरह के खतरे में आप पड़ सकते हैं। तो यह कोशिश करें कि जिस काम को आप नहीं जानते हैं, जिस काम का जानकारी आपको नहीं है, अगर कोई उस काम को करता है तो वह सुरक्षित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, वह है, चूज राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड यूज़ प्रॉपरली। जब कभी आप काम करें तो यह कोशिश करें कि जो आप काम कर रहे हैं उसी से संबंधित आप टूल्स का यूज़ करें, इक्विपमेंट का यूज़ करें, ठीक है। तो ये रूल नंबर 4 है कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसी से संबंधित टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, वो है, असेसमेंट द रिस्क बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। जब कभी आप काम शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस काम का रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। तो ये रूल नंबर 5 है। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, वो है, ऑल एक्सीडेंट शुड बी प्रिवेंटेबल। जैसे कि आप सभी जानते हैं वर्क प्लेस पे जो काम होते हैं वो सभी काम में हजार्ड्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो यह कोशिश करें कि जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, उसके बचाव के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये रूल नंबर 6 था। अब है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है, पुअर हाउस कीपिंग ऑफ वर्क प्लेस। अगर आपके वर्क प्लेस पे पुअर हाउस कीपिंग है तो यह कोशिश करें कि हाउस कीपिंग वहाँ का सही हो, गुड हाउस कीपिंग हो, तभी आपका वर्क प्लेस सुरक्षित रह सकता है। तो यह कोशिश करें हाउस कीपिंग सही हो। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है, नेवर डू हॉर्स प्ले वाइल यू आर एट वर्क। जब कभी आप काम कर रहे हों वर्क प्लेस पे तो कभी भी भाग दौड़ ना करें, हंसी मजाक ना करें। बहुत से लोग होते हैं हंसी मजाक करते हैं, किसी टूल से खेलते हैं, इक्विपमेंट से खेलते हैं, तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो वह सुरक्षित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है, ऑलवेज यूज जॉब स्पेसिफिक पीपीस एट साइट। जब कभी आप काम करें तो यह कोशिश करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसी से संबंधित पीपीज आप यूज़ ज़रूर करें। जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग से संबंधित जो पीपीज होते हैं वही आप यूज़ करें। नेक्स्ट है रूल नंबर 10। नेक्स्ट है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है, नेवर टेक ड्रग्स और अल्कोहल एट वर्क साइट। वर्क साइट पे जब कभी आप काम कर रहे हो तो आपको किसी भी तरह का अल्कोहल्स और ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका वर्क प्लेस और आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है,
नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का आप स्मोकिंग करने से बचें, क्योंकि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही और साथ ही साथ फायर हजार्ड होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी वर्क प्लेस पे स्मोकिंग न करें। नेक्स्ट है रूल नंबर 12, ऑल एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेबल। किसी भी तरह के इंसिडेंट अगर आपके साइट पे हो रहे हैं, छोटे छोटे घटना हो रहे हैं, तो आप उसे छुपाए ना, उसे अवॉइड ना करें, उसे रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि उससे बचने के उपाय आपको उसी समय खोज लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।